नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज राजनीतिक चर्चा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं के मिश्रा जी, गोविंद मालू जी, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा तेजी से चल रही है। सरकार बदलने के बाद से शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक अपनी सरकार नहीं बना पाए, मंत्री नहीं बना पाए। उसके बाद लगातार अभी फिर ये चर्चा चल रही है कि अभी मंत्री किसको बनाना, किसको बाहर रखना। सिंधिया जी के साथ जो सौदेबाजी हुई उसको भी लेकर बात चल रही। तो क्या आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया संक्षिप्त में क्या है? देखिए सुनील जी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार इन दिनों राजनीतिक हलकों में चर्चा का जबरदस्त विषय बना हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार में किन्हें स्थान मिल पाएगा, सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर गए विधायकों में से कितने मंत्री बन पाएंगे, इनको लेकर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार पहले कहा गया 6 तारीख को संभावित है, फिर 10 को होगा, और उसके बाद फिर अब कहा जा रहा है कि 17 को लॉकडाउन खुलने के बाद होगा। लेकिन इस सबके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेच तो उलझे हुए हैं। इतना आसान नहीं है शिवराज सिंह जी के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो है। पहले तो उनकी खुद की पार्टी में जो स्थितियां हैं उससे उनको निपटना है। गोविंद मालू जी अभी ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो सब संगठन तय कर लेता है और मुख्यमंत्री जो है उनको फ्री हैंड रहता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं दिख रही कि फ्री हैंड है। और फिर तेवरों में वीडी शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के 24 जिला और नगर अध्यक्षों की जो सूची सामने आई है उसके बाद जिस तेवर में वीडी शर्मा है, तो एक तो अपनी पार्टी में ही शिवराज जी के लिए स्थितियां बड़ी वो है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से उन्होंने कहा किसको लें, गोविंद राजपूत सिंधिया कोटे से ले लिए गए, गोपाल भार्गव का अपना वजन है, उनकी स्वाभाविक दावेदारी है, मुख्यमंत्री की पसंद भूपेन्द्र सिंह है। मालवा निमाण की बात करें तो मालवा निमाण में किसको लें, उन्होंने कहा चेतन कश्यप के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर दबाव बना रहे हैं, ओम प्रकाश सक्सेना बोल रहे हैं कि मैं चौथी बार का विधायक हूँ, पटवारी के रहते आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया तो अब मेरी ये बाधा भी दूर हो गई है। विजय शाह आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, पारस जैन लगे हुए हैं, इंदौर से उन्होंने कहा महेंद्र आडिया वरिष्ठता के मानते हैं, तो रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर सब लगे हुए हैं, मीना वर्मा, गायत्री राजे पवार, तो बड़ा गठबंधन मामला लगे हुए हैं। से जो लोग आए हैं छोड़ के उनको भी किस लेवल तक अकोमोडेट किया जाए, तो ये बड़ी परेशानियां हैं मंत्रिमंडल वाले मामले में। इस क्या मंत्री जी के साथ क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है इस मामले? देखिए पहली बात तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, शिवराज सिंह जी की सरकार बनी नहीं है। गद्दार विधायकों को नीलाम करके भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के प्राप्त जनादेश का अपमान कर एक सरकार बनाई है। और मैं सुनील जी स्पष्ट कह दूं, हो सकता है कि यह बात निजाम को अच्छी नहीं लगे, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखें, शिवराज सिंह जी की सरकार मात्र थोड़े दिन की है। विधानसभा के 24 उपचुनाव के बाद कमलनाथ जी की सरकार फिर इस मध्य प्रदेश में काबिज होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज यह बात मजाक लगे, लोग हजम नहीं कर पाए, मगर यह यथार्थ है और ये मैंने कहा था, ये उस वक्त आप ध्यान रखें। गोविंद जी, दो हमले आप पर हो चुके हैं आपकी पार्टी पर, आपके पास क्या जवाब है इसका? खुशी जी, मिश्रा जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बिकाऊ है। इसके पहले इनके जो मीडिया इंचार्ज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कह दिया, तो एक तो ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बिकाऊ है। हमने किसी को तोड़ा नहीं, कांग्रेस से बड़े नेता खुद वहां से एक डिफेक्शन होकर एक लोगों का पूरा एक चक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आके जुड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी से के साथ आके जुड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के एक कद्दावर नेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसकी रीति नीति, उनकी कार्य प्रणाली को, और वो इसीलिए शामिल हुए। इसलिए जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का, बाकी हमारे अरविंद जी ने भी कहा या मिश्रा जी ने भी कहा, मिश्रा जी ने तो खैर अभी उस बात को कहा, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जो बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी रीति नीति है, जो सिद्धांत है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उससे वो वाकिफ हैं और इसीलिए आए हैं।
और जिनको एकोमोडेट किया है, जिनको लिया है साथ में, उनको निश्चित जगह मिलेगी, उसमें कोई सवाल नहीं। सत्ता में हम आए हैं, हम किसी का साथ लेके आए हैं, तो स्वाभाविक है उसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। और ये जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, पहले 5 लोगों का ये सामान्य स्थितियां होती तो पूरा मंत्रिमंडल बनता। कमलनाथ जी की सरकार पूरे 6 साल पूरे 1.5 साल, ठीक है, ये आज की असामान्य स्थिति है। उसमें जब भी मंत्रिमंडल बनेगा तो बाकी लोगों को उसमें लिया जाएगा, और हमेशा मंथन होता है, चाहे वो ये अभी लोगों को लेना था या नहीं लेना था। 165 भी थे जब भी मंथन होता था, 143 थे तब भी मंथन होता था, 173 थे तब भी मंथन होता था, और हर क्षेत्र को एकोमोडेट भी करते, हर नेता उसमें आने की कोशिश भी करता, उसमें भी कोई गलत बात नहीं। महत्वाकांक्षा सबकी होती है आने की, लेकिन किसको लेना नहीं लेना ये संगठन का निर्णय होता है, उसमें लिया जाता है। जैसे गोविंद जी का कहना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बिकाऊ है, और कांग्रेस के बिकाऊ कार्यकर्ताओं को लेकर बात कही, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सीधा हमला करने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिएगा, मैं तो बिकाऊ के साथ गद्दार शब्द भी मैंने लगाया तो गोविंद जी का प्रश्न अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है। और रहा जो भारतीय जनता पार्टी गोविंद जी के शब्दों में कहती है कि हमारे संगठन डिसाइड करता है, तो आपके वहां मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, अब तो आपको नेता मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपके जबरिया का भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे ये 1857 की क्रांति के गद्दार हैं, जिन मुख्यमंत्री जी ने सिंधिया जी को विभीषण बताया है, प्रभात झा जी ने और जयभान सिंह पवैया जी ने उन्हें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया बताया है, तो क्या एक गद्दार, एक विभीषण और भूमाफिया, हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया और गुंडों की पार्टी है, क्योंकि जो दो निर्णय कमलनाथ जी के माफिया विरोधी मुहिम को लेकर इंदौर में सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माफिया और गुंडों की पोषक है। मगर जिस ढंग से शिवराज सिंह जी चौहान अपने आप को खुद अंतर्मन से दबे हुए महसूस कर रहे हैं, आज यदि पार्टी तय करती गोविंद जी के शब्दों में, तो हम मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, लॉकडाउन में अखबार छाप रहे हैं, सुनील जी आप दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि विंद में विरोध हो रहा है, बुंदेलखंड में विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि अभी ने मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाए, हमें लिया जाए, तो कहां गई पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी में शने शने लोकतंत्र आने की शुरुआत हो गई है। अब वो लोग जो सजे धजे बैठे हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, और मैं तो मुबारक करता हूं आपको गोविंद जी कि आप घोषित कर दीजिए कि मोहन भागवत जी के बाद हमारी सल्तनत सिंधिया जी चलाएंगे। अरविंद जी, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान पर इस समय दबाव गहरा है, लंबा दबाव है, क्या कहते हैं इस बात को? नहीं, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि जो परिस्थितियां पिछले 3 कार्यकाल में थी उससे बहुत इतर स्थितियां हैं। हालांकि शिवराज सिंह जी बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सारे निर्णय मैं ही ले रहा हूं, लेकिन आंतरिक जो स्थितियां हमें समझ में आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीली हुई है, बड़े पैमाने पर तबादले हुए, कल पिछले 2 दिन में ही जो है 50 IAS अधिकारी बदले गए, तो जो नाम सामने आ रहे हैं, जो पदस्थापनाएं जहां हुई है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो स्थितियां अब नहीं है शिवराज जी के सामने जो उनके 3 कार्यकाल में हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार ने इतने सारे तबादले किए थे, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, उन्होंने भी तबादले किए, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता परेशान है कि किस अधिकारी से बात करे, अधिकारी से सरकार बदलती है, अधिकारी बदल जाते हैं, तमाम सारी समस्याओं को आम आदमी को सामना करना। देखिए, ये तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अधिकारी के तबादले से व्यवस्था सुधर जाएगी, ये बिल्कुल संभव नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिश्रा जी यहाँ है, मालू जी यहाँ, चीफ सेक्रेटरी जैसा पद है, या DGP जैसा पद है, या ADG इंटेलिजेंस जैसा पद है, या आयुक्त जनसंपर्क जैसा पद है, पे हर मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के लोगों को रखा, हर मुख्यमंत्री ने अपने, लेकिन इस तरह से बड़े पैमाने पर तबादले तो बहुत कम देखने में आए हैं। मतलब मेरा भी जो 25 साल का अनुभव है। बात बताइए, आपकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगते हैं कांग्रेस ने तबादला उद्योग शुरू किया है, और लेकर क्या कहते हैं जब आपकी सरकार? देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी खुद कहते थे कि कमलनाथ जी ने तबादला उद्योग चालू किया है,
तो उन्होंने 15 साल की व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह जी सरकार नौकरशाहों की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चूंकि 15 साल बाद हम सरकार में लौटे थे तो उस दिशा में जो तबादले किए थे शिवराज सिंह जी की निगाह में या गोविंद माधव जी की निगाह में तबादला उद्योग था, तो जो अब ट्रांसफर चालू हुए हैं 45 दिनों के भीतर, ये तबादला उद्योग नहीं है। क्या कहते हैं गोविंद जी, कितने अभी तो कुछ नहीं हुआ है मिश्रा जी, अभी तबादले होना तो बाकी, जिन लोगों से पैसे लेके तबादले किए गए थे उनको सबको जो सक्षम अधिकारी है वहां पर बिठाया जाएगा, अक्षम लोगों के हाथ में केवल पैसा देके और तबादला उद्योग चलाया गया। 40-45 हजार तबादले नीचे से लेके ऊपर तक, ये कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धि है। और इसको भारतीय जनता पार्टी का तो 15 साल का शासन बहुत अच्छा था, आउटराइट रिजेक्ट थोड़ी क्या जनता ने, हमको तो लगातार बढ़ते रहे। इस बार कुछ हमारी उम्मीदवारी के चयन में बाकी चीजों में कुछ, इसलिए हम 2-4-5 सीटें रहे, लेकिन हमको रिजेक्ट नहीं किया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सुशासन था, हमारा सुशासन था। आप लोगों ने जिस ढंग से आके और तबादले को जो उद्योग का स्वरूप दिया है और जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है ऊपर से नीचे तक, एक एक आदमी के चेचे 7-7 बार तबादले, नीचे तक के तबादले, उसको हम, क्योंकि इनके पास और दूसरा कोई चारा ही नहीं था और ये टूट पड़े सबके सब लोग की कैसे पैसा कमाया जाए, उसको अब हम ठीक करें। जो पैसा दे के आए थे तबादला करा के, वो पैसा कमाएंगे वहां से, इसलिए अब हम उनको ऐसी जगह पर उनको पदस्थापना की जाएगी, उससे अच्छे लोग जो सक्षम अधिकारी है जो बहुत ही गोविंद मानू जी लगा रहे हैं कि तबादले अच्छे नौकरशाह है, चाहे वो कोई भी रहा हो। और हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी नहीं हुआ, तो खास करके शिवराज दिग्विजय सिंह के नाक के बाल हुआ कहा करते थे लोग, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य स्थान पर रखा। हम तो डिलीवरी में विश्वास करते हैं, हम क्रियान्वयन में विश्वास करते हैं, हम पैसे खाने में विश्वास नहीं करते। तबादले के माध्यम से आप नहीं खाते, आपके वहां खाती थी, तबादला कौन करता था आपको अच्छी तरह मालूम है, कौन लेता था सबको मालूम है, कहां से चेक पास हो गए, तबादला लिस्ट जारी होती। अरे इसका कोई प्रमाण, ये तो देखिए ये तो आरोप लगाने की बात है, यहाँ तो खुलेआम चल रहा था, तो यहाँ तो प्रमाण बता दीजिए आप, आप प्रमाण बता दीजिए। एक आदमी के जी 6 बार तबादले होंगे, मेरी बात सुनिए, आपने कितने करवाए थे कमलनाथ जी से बताइए, किस्त आप बता दीजिए, क्वार्टरली कितने होंगे मंत्रियों ने, आपके माध्यम से कितने होते आप बता दीजिए। कमलनाथ जी से क्यों कराएंगे भाई, सुनिए आपकी सरकार इसी के लिए गई थी कि आप लोग शाब्दिक जुगाली में भरोसा करते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट बात कीजिए, किस अधिकारी ने दी ये बताइए, ये तो पूरा प्रदेश जानता कि कौन पैसा लेकर ट्रांसफर करते हैं, जो पैसा देगा और लेगा ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं आता है, लेगा और लेगी में अंतर कह रहा हूं मैं, पदस्थापना से ही ध्वनित होता है कि वो आदमी क्या करके आया, आप लेगा कह रहे हैं मैं लेगी कह रहा हूं, अब दोनों में अंतर आप ही समझ। देखिए सुनील जी, मेरा ऐसा कहना है कि गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में है जिनके जिनकी कही गई बात का एक अपना महत्व रहता है, जिन्हें धीर गंभीर नेता भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है। मुझे इस बात का दुख है कि गोविंद मालू जैसे धीर गंभीर नेता बिना किसी आधार के निष्ठा को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना कदापि उचित नहीं है। अगर उनको लेकर गोविंद मालू जी ऐसी बात करें तो मेरी इस पे गहन आपत्ति है। कोई जी, मुझे दूसरी बात उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, अगर आपने किसी का व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाया। मैंने ये कहा कि बिना लेन देन के कोई नहीं आया है, चाहे वो कोई भी हो, पर इंदौर का अक्षम अधिकारी सक्षम होता तो इंदौर में कोरोना इतना बड़ा पैमाने पर नहीं फैलता। मेरा कहना ये, इंदौर जैसी जगह पर कैसा आदमी भेजना चाहिए और कैसा आना चाहिए, ये सरकार आई नहीं। किसी का नाम लिया, मैंने कहा कि सभी बिना लेन देन के कोई कहीं से भी आया हो, कोई बिना लेन देन नहीं गया, और अच्छी जगह पोस्टिंग तो लेन देन से ही होती है। आपने क्या मालूम तिवारी जी, आपको पता है कि आप उनकी तरफ से क्यों पैरवी कर रहे हो, कमलनाथ जी से आपको मालूम है। देखिए एक सवाल मेरा और है मालू जी से, के भाई अभी गोविंद जी ने बोला कि कांग्रेस के शासन में अक्षम अधिकारियों को पैसा लेकर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया, बिना लेन देन के कांग्रेस में पदस्थापना नहीं होती थी। मैंने क्या कहा आपको, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आम बात कर रहा हूँ, और किस कहां पे आप जो कह रहे हो आड़ में जाम होता क्या है, कुछ लोगों को तो आड़ के लिए भेजा, वो कांग्रेसियों के लिए रास्ते बनाए कि उनको भ्रष्टाचार करने दे,
किस तरह से इंदौर में माफियाओं की आड़ में वसूली की, यह जानता है, पूरा शहर जानता है, जिन्होंने भोगा है वो जानता है। आपके ही थे, उनकी कमर तोड़ दी। आप बोल रहे हैं कि इंदौर में अक्षम अधिकारियों को पैसा लेके पदस्थ किया गया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये कई कई पद स्थापनाएं सब ये जो प्रमुख जगह पर जो गई है वो आपने वो पैसा लेके लेन देन करके या उनके कोई कमिटमेंट करके कि हमारे ये लोग इनका ये काम करना। पैसा केवल नकदी थोड़ी लिया जाता है, उससे काम कराए जाते हैं, उससे आपसे फिर मैं वही पूछूंगा, काम कराए जाते हैं। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस ने क्या, तिवारी जी आप क्यों बचाव कर रहे हैं कांग्रेस का? कोई बचाव नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकारी कांग्रेस भ्रष्टाचार करवा रही है उनसे, ये पूरी नौकरशाही को। जो मैं आपसे फिर स्पेसिफिक बात करूंगा मालू जी, अधिकारियों को पैसा भ्रष्टाचार हुआ है चलिए, कि आप ये कह रहे थे कि माफियाओं का करा, माफियाओं में कितना लेन देन हुआ है बताओ आप, तो लेन देन कहाँ गया, उसका तो रिकॉर्ड रहता है क्या, चेक से पेमेंट होते हैं भैया, ये तो ऊपर लेन देन हो जाता है किसी भी। तो फिर आपके जब आपके पास आधार नहीं तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? सही बात ना करें, पदस्थापना से ही आरोप लगते हैं। और ये दिन भर में पांच पांच छह बार तबादले जिनके हुए हैं वहाँ लेन देन नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसको यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ देखिए, ये तो सबको मालूम है और ये आम चर्चा में था कि क्वार्टरली किस्त बन गई थी। भाई मेरे पूछो अधिकारियों से जाके, वो अपने दर्द बताएंगे, वो रिकॉर्ड को थोड़ी बताएंगे कोई चीज, उनको भी नौकरी करना है। बहरहाल मिश्रा जी, गोविंद जी, अरविंद जी, इस चर्चा को हम यहाँ अब समाप्त करते हैं। इस जिस तरह से सुनील जी, एक मिनट सुनील जी, मेरी बात सुने आप, चर्चा को समाप्त आप बिल्कुल विशेषाधिकार है आपका, लेकिन मेरी फिर इस बात पे गंभीर आपत्ति है और मेरी इस आपत्ति से के मिश्रा सहमत होंगे और आंतरिक तौर पे गोविंद मालू भी सहमत होंगे कि उनके जैसे धीर गंभीर व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति पर बिना तथ्यात्मक जानकारी के आरोप नहीं लगाना चाहिए। तथ्य नहीं होता, ये तो सब सिम्टम होते हैं, उससे पैदा हो जाता है, इसके तत्वता है कि आपके सिम्टम के मैंने क्या कहा, रास्ते निकालते हैं, भ्रष्टाचार एक तरह का नहीं होता। आप जो कह रहे हो सुनो, ये कोरोना संक्रमण नहीं है, निगेटिव और पॉजिटिव ये नहीं है, कई तरह की श्रीमान जी साबित करो, उनकी आड़ में जो लोगों के काम करने की स्वतंत्रता दी गई कि ऐसा करना है, कई सारे टेंड यूज बदलने का जो एक परम एक नया खेल चलने लगा था और जो मास्टर प्लान में जो खेल चलने लगा था, ये क्यों पदस्थापना की गई अधिकारियों की, ये सब इसी लेन देन के लिए की गई, ये कांग्रेस के नेताओं ने की। लेन देन यही तो होता है और क्या होता है। आरोप सब दूर खेल बताने के लिए, माफियाओं को प्रश्रय देने के लिए और माफियाओं को प्रश्रय देने के लिए तबादले किए ताकि हमारे भी पैसा आता रहे, काम चलता रहे और हमारे सब काम होते रहे। बहरहाल आप तीनों हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।